चलो कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया है ना? चलो ठीक है, फिर लेक्चर शुरू कर देते हैं आज का हम। पिछली बार कौन सा चैप्टर खत्म किया हमने? चैप्टर नंबर 10, जो कि क्या था, कौन सा था, भूल भी गए। हेलो ऑर्किड्स एंड हेलो एलिस। ओके, हेलो ऑर्किड्स और हेलो एलिस चैप्टर हमने पूरा कर दिया, और आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। भी आपको लगेगा मैडम ये तो चैप्टर का नाम पढ़ते पढ़ते दिन से रात हो जाएगी, चैप्टर क्या समझना, इसका नाम ही समझ में नहीं आ रहा है। नाम क्या है चैप्टर का? जनरल प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब आपकी जिंदगी के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, लोगों को कुछ सिद्धांत होते हैं कि वो अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, उसको सिद्धांत को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मतलब कि रूल्स। तो जनरल रूल्स यहाँ पे बोलते हैं रूल्स एंड प्रोसेसेस। किसकी प्रोसेस? ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपको पता है एलिमेंट्स क्या है, इलेवन से देख क्या है, एलिमेंट क्या है, मेटल्स नॉन मेटल्स गैसेस है ना, नोबल गैसेस, ये सब क्या है एलिमेंट्स। आपके पास सारे पूरे है पी एफ डी एफ सारे ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स आपने पढ़े हुए हैं। तो जो एलिमेंट्स है उनका आइसोलेशन, अभी आइसोलेशन करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्योंकि आप एक एलिमेंट के बारे में सोच रहे हो। सी ये चैप्टर किसके बारे में है कि आपका मेटल आपको चाहिए कोई, ठीक है, जो कि किसमें है, जमीन में है, या तो उसको निकालोगे तो वो अकेला अकेला तो निकलेगा नहीं, वो कैसा होगा, किसी भी पत्थर से जुड़ा हुआ, किसी के अंदर जुड़ा हुआ, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेसेस है, कुछ प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस आपको फॉलो करने के बाद वो प्योर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो वो जो पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से एलिमेंट जो जमीन में होते हैं, जो आपको जमीन से जो एलिमेंट मिलते हैं उनका आइसोलेशन आप किस तरह से करते हो, ठीक है। उसके लिए अच्छा ये वैसे आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारी कंट्री इंडिया और जमीन में जो मेटल्स होती है उसका बहुत एंशियंट टाइम से बहुत ही रिलेशन अच्छा रहा है। मतलब कि पहले क्या हुआ करते थे, सारे औजार किसमें से बनते थे, सब वो मेटल में से बनाते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह। अगर आपने आपको आपका टेंथ का सोशल साइंस याद हो, आपका टेंथ में जो आपने सोशल स्टडी किया था उसमें फर्स्ट फाइव चैप्टर्स किसके ऊपर थे, सारे हमारे हिस्ट्री में, हिस्ट्री में एंशियंट टाइम के बारे में जब जब बात हुई है आपको पता है कहीं ना कहीं जेम्स, जेम्स मतलब वो जो होते ना हीरे और वो सब जेम्स है, पत्थर है, अलग अलग स्टोन अलग अलग मेटल्स है, उन सबको हमारे अलग अलग टाइम से जुड़ा हुआ है। एंशियंट टाइम ऐसा हुआ था एक गोल्डन पीरियड हुआ करता था, सिल्वर पीरियड हुआ करता था, तो वो मेटल के नाम से पूरे पीरियड्स हमारे इंडिया के माने जाते हैं। तो मेटल का और इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। प्लस इंडिया में बहुत सारे इंडिया की जो मिट्टी है, हमारी देश की मिट्टी जिसको हम कहते हैं, उसमें मेटल भर भर के है, सारे मिनरल्स मिनरल्स मेटल्स सब बहुत ही भर भर के अंदर है। तो हम हमारी हिस्ट्री को भी अच्छे से जान पाएंगे, साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि कौन से मेटल्स हैं और कौन से ऐसे यूनिक वेज हैं जिससे आप चीजों को अलग कर पाओगे, ठीक है। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन समझ लो क्या है, ऑकरेंस ऑफ मेटल, ऑकरेंस ऑफ मेटल। तो ऑकरेंस ऑफ मेटल का मतलब क्या, ऑकरेंस मतलब किसी भी चीज का होना। तो मेटल है, मेटल जमीन में है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे है, किस तरह से है, वो उसका जो अस्तित्व है वो किस किस तरह से है, किस फॉर्म में है, वो सब हमें देखना है। तो कुछ 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 एलिमेंट ही ऐसे है जो डायरेक्टली आपको जमीन में से प्योर फॉर्म में मिल जाए, कुछ ही जैसे कि हो गया आपका गोल्ड, गोल्ड गोल्ड
लिथियम, आर्गन, नियोन, ये सारे नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस किसको बोलते हैं पता है ना? जो गैसेस कैसे होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो सारे नोबल गैसेस हैं। तो ये सारी चीजें आपको अर्थ क्रस्ट में से डायरेक्टली मिलती हैं। अर्थ क्रस्ट किसको बोलते हैं ये पता है? अर्थ क्रस्ट मतलब कि आपके जमीन के जो अलग अलग लेयर्स है वो लेयर्स को क्या बोलेंगे? क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में से ये सब जो है वो प्योर फॉर्म में मिलते हैं डायरेक्टली, बिना किसी चीज से मिक्स हुए डायरेक्टली आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ ही ऐसे एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट आपके पास कितने हैं उसके हिसाब से ये चार पांच या छह सात एलिमेंट क्या कुछ भी नहीं है ना। तो बाकी के सारे जो एलिमेंट्स है उसका क्या होता है, वो आपको किस तरह से मिलता है? तो अलग अलग एबंडेंस, एबंडेंस मतलब मात्रा में। तो अदर एलिमेंट्स आर फाउंड इन तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। तो क्या हुआ कि आपके बहुत सारे मिनरल्स उसमें से कुछ कुछ
डिजायर्ड मेटल, इसके अंदर क्या होगा डिजायर्ड मेटल और एलिमेंट। आप हर एक को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये और का
मेटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो सारी जो आपकी रिएक्शन है, आपकी प्रोसेस है जो कि इसके लिए होती है, द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ द मेटल, द एंटायर साइंटिफिकल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड टू आइसोलेट मेटल फ्रॉम इट्स कोर इज कोल्ड मेटलर्जी। जो ब्रांच आपके मेटल के ओर में से आइसोलेशन पे वर्क करती है, सिंपल लैंग्वेज में उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी में आप क्या करते हो कि आप पहले ना आपके ओर में क्या होता है, इंप्योरिटीज, और में ना ऐसा कभी भी बहुत रेयरली होगा कि आपका जो ओर है उसमें बहुत ही ज्यादा या प्योरली आपका डिजायर्ड एलिमेंट हो। ज्यादातर क्या होगा, उसके पास अनडिजायर्ड चीजें, अनडिजायर्ड एलिमेंट्स और इंप्योरिटीज जो आप नहीं चाहते हो, ऐसे एलिमेंट और इंप्योरिटीज होंगे जिसको हम नाम देते हैं गेम। गेन, GANGUE, गेन का मतलब क्या होता है? जो अनडिजायर्ड एलिमेंट्स या इम्प्योरिटीज जो आपके मेटल और में होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? गेन। तो ये मेटलर्जी प्रोसेस में आप क्या करते हो, प्रोसेस समझो। पहले आपने मिनरल लिया, मिनरल को माइनिंग करके और बनाया था, अभी और में क्या होंगे? गेन। तो हम अलग अलग कुछ ऐसी प्रोसेसेस स्टेप्स ऐसे प्रोसेसेस के सारे स्टेप्स है जो स्टेप्स फॉलो करके हम ये गैंग को अलग करके हमारा डिजायर मेटल प्योर फॉर्म में हमें मिलेगा। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। ये स्टेप जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो ओर का टाइप, ओर का टेम्परेचर, ओर के अंदर जो मेटल है उसका टाइप, उसका टेम्परेचर, जो आजू बाजू का एटमोस्फियर है वो, उन सब के ऊपर हमारे जो स्टेप है वो डिपेंड करते हैं। ऑल्दो, लेकिन फिर भी मोस्टली सारे एलिमेंट्स के लिए स्टेप्स और जो प्रिंसिपल्स है वो ज्यादातर सिमिलरली होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ में ही एक दो प्रोसेस में चेंजेस होते हैं। तो वो सारी प्रोसेसेस क्या क्या है, आप और में से मेटलर्जी के कौन से स्टेप्स है हमारे पास कि जिससे से आपको मिनरल्स आपके लास्ट में, आपको मिनरल्स में से लास्ट में क्या मिल जाता है, प्योर फॉर्म में आपका एलिमेंट। तो उसके तीन स्टेप्स है। पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर का मतलब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर का मतलब क्या होगा कि आपका जो वो मिनरल है उसमें से आप क्या करोगे, आप और को इकट्ठा करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे। कॉन्सेंट्रेट मतलब इकट्ठा करना, कॉन्सेंट्रेट मतलब ज्यादा अमाउंट में कुछ होना, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट। तो और को कॉन्सेंट्रेट करना। फिर दूसरा है आइसोलेशन ऑफ द मेटल, ये किसके साथ आइसोलेट करोगे? कॉन्सेंट्रेट जो मेटल, कॉन्सेंट्रेटेड मेटल हो गया आपका, उसमें से आप आइसोलेशन करोगे मेटल का। और लास्ट में होगा प्योरिफिकेशन, क्योंकि पूरी प्रोसेस के बाद मेटल को प्योर तो करना पड़ेगा, तो मेटल मिल तो गया लेकिन उसको प्योरीफाई तो करना पड़ेगा, तो लास्ट में क्या होगा? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये हमने अभी तक सिर्फ ये पढ़ा कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। पहले हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर, पहले और को इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें से मेटल को दूर करेंगे और फिर उसको प्यूरिफाई कर देंगे। इतना हम पूरे चैप्टर में
हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम लगते लगते आज जो भी करवाया सब कुछ टू टाइम्स कंपल्सरी लिखना है, ठीक है। और इसके नाम याद होने चाहिए, और कौन से कल से जो नेक्स्ट लेक्चर में